अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ हैदराबादी खिचड़ी खट्टा और खीमे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ज़्यादातर ये संडे मॉर्निंग रेसिपी में बनाया जाता है या फिर कभी अकेशन है तो सुबह में नाश्ते में बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए मैंने हाफ़ का आधा किलो चावल को धोकर भिगो कर रख लिया है और ये मूंग की दाल है, 1 कप से कम है थोड़ा सा मूंग की दाल। इसको हम थोड़ा भून लेंगे। मूंग की दाल को भूनने से एक अच्छी सी स्मेल आ जाएगी और हमारी खिचड़ी में दाल गलेगी भी नहीं, ये साबित रहेगी। इसीलिए हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे और उसके बाद जो चावल धोकर रखा था उसी में इसको डाल देंगे। चावल और दाल को मिनिमम आधा घंटा भीगने के लिए रख देना आप। अब हम खट्टे की तैयारी करते हैं। खट्टे के लिए मैंने छोटा सा एक इमली लिया है, बस थोड़ी सी प्याज, 2 टमाटर और कोथमीर के स्टिक्स लिया है। ये कोथमीर के हम पत्ते निकालने के बाद जो नीचे के लकड़ी होती है ना, ये वो है, उससे खट्टे में अच्छा सा टेस्ट आएगा। आप 1-2 कप पानी एक भगोने में बॉईल होने के लिए रख देना। उसके बाद आप इसके अंदर ये टमाटर, इमली, कोथमीर के स्टिक्स और थोड़ी सी प्याज डालकर और थोड़ा सा नमक डालकर बॉईल होने के लिए रख देना। तकरीबन 10 मिनट्स इसको बॉईल करना है। 10 मिनट्स तक आप इसको ढककर बॉईल होने के लिए रख देना है। 10 मिनट्स में ये टमाटर बहुत अच्छे से बॉईल हो जाएगा। देखिए 10 मिनट्स के बाद ये सब अच्छे से बॉईल हो गया है, अब ये ठंडा भी हो गया। अब मैं इसमें अपना हाथ लगाकर इसको इस तरह स्मैश कर सकती हूँ। पूरा ठंडा होने के बाद मैं अपनी हाथ की मदद से इस तरह पूरा स्मैश कर देना। अब उसके बाद एक छन्नी में छान लेना। अभी आप इसमें नमक का टेस्ट देख लेना, अगर आपको और नमक लगता है तो थोड़ा सा नमक ऐड करना, और थोड़ा गाढ़ा लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेना। अभी इसमें मैं थोड़ा सा अदरक घिसूंगी ताकि इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब इसमें नमक और मिर्ची भी, हरी मिर्ची को थोड़ा सा कट कर ऐड किया है। इसकी बघार की तैयारी करते हैं। एक पैन में थोड़ा सा तेल डालना है और थोड़ी सी ऑनियंस डालना है। उसके बाद थोड़ा सा जीरा डालेंगे और 4 करी पत्ता डालेंगे। इन सबको, ऑनियंस को गोल्डन ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। अब ऑनियंस अच्छे से ब्राउन कलर के हो गए हैं, ज़ीरा भी अच्छा सा हो गया है। अब थोड़ी सी हल्दी डालना है। उसके बाद हम इसको इस खट्टे के ऊपर डाल देंगे। खिचड़ी की तैयारी करते हैं। खिचड़ी के लिए मैंने थोड़ी सी प्याज कट कर ली है, थोड़ा सा घी लिया है और 2 चमचे अदरक लहसुन है, 5 हरी मिर्ची और कोथमीर है। एक पैन में आप तेल डाल लेना और उसके बाद थोड़ा सा घी डाल लेना। खिचड़ी का टेस्ट घी में अच्छा आता है, इसीलिए आप तेल थोड़ा डालिए और घी थोड़ा ज़्यादा डालिए। मैंने तकरीबन 1 चमचा तेल लिया है और 2 चमचे घी लिया है। हम खिचड़ी में सिर्फ कोथमीर और हरी मिर्ची, ऑनियंस ही डालेंगे और खड़ा मसाला और कुछ भी नहीं डालेंगे। इस तरह से सिंपल और बहुत टेस्टी खिचड़ी बनती है। अब तेल गर्म हो गया है, अभी मैं इसमें ऑनियंस डालूंगी। ऑनियंस को बस थोड़ी देर 30 सेकंड्स के लिए रोस्ट करना है। उसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। मैंने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसको अच्छे से भूनना है जब तक अदरक लहसुन की कच्ची बू चली जाए। अब इसकी कच्ची बू चली गई तो अब मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड करूँगी। हरी मिर्च को हमेशा बीच में से कट लगाकर ऑयल में ऐड करना चाहिए। अगर आप बीच में से हरी मिर्च को कट लगाना भूल जाएंगे तो वो उछल जाएगी, इसीलिए हमेशा कट लगाइएगा। अब इसके बाद हम इसमें नमक और हल्दी ऐड करेंगे। नमक आपके चावल की क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर लेना। 1 टेबल स्पून नमक 1 कप चावल के लिए बराबर होता है, तो इस हिसाब से आप जितना चावल लेंगे आप उतना नमक ऐड कर लेना। इसके बाद मैं इसके अंदर मैं जो कटी हुई कोथमीर है वो ऐड कर लूँगी। कोथमीर ऐड करने के बाद हम 30 सेकंड्स के बाद ही पानी ऐड कर देंगे। ज़्यादा देर करने से कोथमीर जल जाएगी। जितना आप चावल लिए उसके डबल क्वांटिटी वाटर ऐड करना। दाल के लिए कोई भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, दाल जो हमारे चावल के पानी में ही गल जाएगी। तो जितना 1 कप राइस के लिए 2 कप ऑफ वाटर बराबर हो जाता है, तो आप चावल की क्वांटिटी के हिसाब से पानी ले लेना। जब पानी में अच्छा बॉयल आए तब उसके अंदर आप ये चावल और दाल को ऐड कर देना। अभी चूल्हे का फ्लेम बहुत हाई पे रखना है। हाई पे रखने के बाद इस तरह पानी पूरा ड्राई हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर और थोड़ा सा पानी ऐड, गर्म पानी ऐड करेंगे 1 कप,
उसके बाद हम दम पे लगा देंगे। पूरा पानी अगर एक साथ डालेंगे तो चावल बहुत गल जाएगा, इसीलिए पहले थोड़ा पानी ऐड करना है, उसके बाद और थोड़ा पानी ऐड कर लेना। अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रख देंगे जब तक पूरा चावल गल जाए। खीमे की तैयारी करते हैं। खीमे के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ की ऑनियन को कट कर लिया है और खीमे को वॉश करके रख लिया है। एक कुकर में आप ये तेल गरम करना और उसके अंदर ये कटी हुई ऑनियंस को ऐड कर देना। ऑनियंस को ये ट्रांसलूसेंट हुए तक भूनना है। जब ये ट्रांसलूसेंट हो जाए उसके अंदर एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेना। अदरक लहसुन की कच्ची बो जब चली जाए उसके बाद आप इसके अंदर नमक ऐड कर लेना और उसके बाद हल्दी और थोड़ी सी मिर्ची ऐड कर लेना। इन सबको डालकर अच्छे से भुनना। उसके बाद हम इसके अंदर जो खीमा धोकर रखा है वो ऐड कर लेंगे। खीमे को पैन में डालने के बाद इसको जब तक भुनना है तब तक इसका कलर चेंज हो जाए। अब इसका कलर पूरा चेंज हो गया है। मैं इसमें एक कप पानी डालकर इसका कुकर में गलाने के लिए रख दूंगी। हम कुकर में बेसिकली ऑनियंस को गला रहे हैं। खीमा तो ऐसे ही गल जाता है, लेकिन ऑनियंस को गलाने के लिए कुकर का ढक्कन लगा रहे हैं। अब देखिए एक विजल के बाद कुकर का ढक्कन निकाल दिया, ऑनियंस भी अच्छे से गल गए हैं। अब इसको अच्छे से भुनना है। अब जो कटा हुआ एक आलू कट करके रख लिया था वो ऐड कर दूंगी मैं। उसके बाद दो हरी मिर्च और थोड़ा सी कोथमीर। अब इसको लो फ्लेम पर जब तक पकाना है तब तक आलू अच्छे से गल जाए। इसके बाद आप इसको सर्व करिएगा, खिचड़ी, खट्टा और खीमा। अब उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक का बटन भी ज़रूर दबाना। अल्लाह हाफिज़।